So guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about posture control strategy. Guys, basically this is the third part of our posture series. So guys, playlist से आप वीडियो देख सकते हो हमारा first video and second video. First video के अंदर हमने introduction दिया है posture का, उसके types को बताया. Second video के अंदर हमने kinetic kinematics बताया posture का. और इस video के अंदर हम बताएंगे posture control strategy. Means ऐसी कौन कौन सी strategy हैं जिसके through एक person अपने posture को control करता है. तो यहाँ पर मेनली मैं आपको दो स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताऊंगा. तो सबसे पहली वाली जो स्ट्रेटेजी है वो होती है हमारी एंकल स्ट्रेटेजी और दूसरी है हमारी हिप स्ट्रेटेजी. तो ये दो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ अभी बहुत ही सिंपल तरीके से. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंकल स्ट्रेटेजी के बारे में. तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है इस एंकल स्ट्रेटेजी में कि ये जो एंकल स्ट्रेटेजी है इसमें क्या होगा कि जो आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल वे में होता है. डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, अब इसका क्या मतलब है, देखिए स्ट्रेटेजी को समझिए. सबसे पहले आप सपोज ये कोई पर्सन है, अब इस पर्सन के ऊपर अगर एक फोर्स लगेगा तो ये पर्सन गिरेगा. मीन्स एक डायरेक्शन में इसकी बॉडी जाएगी. तो इसकी बॉडी गिरे ना, इसके लिए हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. तो एंकल स्ट्रेटेजी कब काम करती है, जब हमारा पोस्चरल स्वे हमारा स्मॉल हो. पोस्चरल स्वे से मतलब क्या है कि मान लो उसको किसी ने धक्का दिया तो उसकी बॉडी जो हिल रही है वो बहुत ही हल्का सा फोर्स है. तो उस कंडीशन में हमारी एंकल स्ट्रेटेजी के थ्रू पोस्चर कंट्रोल हो जाता है ईजिली. तो उसमें मेन जो है वो हमारा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का. अभी इसको भी समझाएंगे एक एग्जांपल से. तो यहाँ पर आप दो कंडीशन लेकर के चलिए कि जो पोस्चरल स्वे है मान लीजिए इसमें दो तरीके से होता है. अभी एक जो कंडीशन है वो मैं ए नाम देता हूँ उसको. एक कंडीशन है आपका कि पोस्चरल स्वे हो रहा है आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और दूसरा जो पोस्चरल स्वे है वो हमारा होगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में. मीन्स इसमें किसी ने पर्सन को आगे से धक्का दिया है पीछे की तरफ. ध्यान से सुनिएगा, आगे से पीछे की तरफ, तो बंदा पीछे की तरफ गिरेगा. तो इसलिए उसकी आगे वाली मसल काम करेंगी. तो यहाँ पर आप ये ट्रिक समझ सकते हो, अगर पोस्चरल स्वे एंटीरियर से है तो एंटीरियर वाली मसल ही काम करेंगी. अगर पोस्चरल स्वे पोस्टीरियर से है मीन्स धक्का कोई पीछे से दे रहा है तो सिर्फ पोस्टीरियर वाली मसल्स ही काम करेंगे, क्योंकि बंदा आगे गिरने वाला है तो उसकी पीछे वाली मसल कॉन्टैक्ट होकर के उसको आगे गिरने से बचाती हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझिए कि यदि एंटीरियर टू पोस्टीरियर यदि किसी पर्सन को कोई धक्का देता है आगे से पीछे की तरफ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मसल एक्टिवेशन समझना है अब हमको. मसल एक्टिवेशन डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होगा हमेशा. तो इस कंडीशन में जो आपकी मसल्स हैं जो रोल प्ले करेंगी, वो सबसे पहले जो मसल रोल प्ले करेगी वो करेगी टिबियलिस एंटीरियर आगे वाली मसल, क्योंकि बंदे को आगे से धक्का दिया जा रहा है और वो पीछे गिर रहा है. तो जब पीछे गिर रहा है तो आगे वाली मसल काम करेगी, और वो भी डिस्टल, मींस जो डिस्टल है किसके कंपैरिजन में, थाई की मसल के. दूसरी मसल आती है इसके अंदर रेक्टस फीमोरिस. तो यहाँ पर रेक्टस फ्यूमोरिस काम करेगी दूसरी मसल. और फिर थर्ड मसल है आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मसल का जो एक्टिवेशन है वो डिस्टल टू प्रोक्सिमल है. मींस अगर आप टिबियलिस एंटीरियर की बात करोगे तो ये तो एंकल के पास होती है, ये थाई के पास होती है, और ये आपकी एब्डोमेन के पास होती है. तो डिस्टल टू प्रोक्सिमल है, और वो भी किस कंडीशन में, एंकल स्ट्रेटेजी में. ये देखा हमने, अगर एंटीरियर से कोई धक्का दे रहा है तो उसकी एंटीरियर साइड की मसल काम करेंगी. अब यहाँ पर देख लेते हैं पोस्टीरियर वाला कि ये जो पोस्टीरियर है बेसिकली इसमें क्या होगा. तो पोस्टीरियर वाले में देखिए, अगर कोई धक्का आपको पीछे से देता है तो पोस्टीरियर वाले में मसल जो है वो पीछे वाली ही आपकी एक्टिवेट होती हैं. तो इसमें मसल का एक्टिवेशन देख लेते हैं हम, कौन सी होगा, पोस्टीरियर डायरेक्शन में. ये देखिए पोस्टीरियर डायरेक्शन में वो भी डिस्टल टू प्रॉक्सिमल चलेगा. तो डिस्टली कौन सी मसल है आपकी इसमें, तो डिस्टली सबसे पहले आएगी इसके अंदर गैस्ट्रो
गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। दूसरी मसल होती है इसके अंदर बाइसेप्स फिमोरिस, जो कि एक तरीके से हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग का एक पार्ट है बाइसेप्स फिमोरिस। और थर्ड मसल होती है आपके इसके अंदर इरेक्टर स्पाइनी, बैक की मसल, इरेक्टर स्पाइनी, ठीक है। एक मसल ये होती है आपकी। तो इस तरीके से ये आपका एंकल स्ट्रेटेजी कंप्लीट होती है। अब हम समझेंगे हिप स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ हिप स्ट्रेटेजी, हिप स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो हिप स्ट्रेटेजी देखनी है अब हमें बेसिकली। तो हिप स्ट्रेटेजी में क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा था डिस्टल टू प्रोक्सिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा प्रोक्सिमल टू डिस्टल, प्रोक्सिमल टू डिस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। मतलब जो मसल्स की एक्टिविटी है वो प्रोक्सिमल टू डिस्टल होगी। तो कंडीशन बनती है बेसिकली हिप स्ट्रेटेजी में। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, अगर कोई पोस्टरल स्वे करता है, यहाँ पर ये पोस्टरल स्वे है हिप स्ट्रेटेजी में, पोस्टरल स्वे। तो पोस्टरल स्वे दो तरीके से हो सकता है आपका, एक होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में। एक चीज़ सेम रहेगी प्रोक्सिमल टू डिस्टल, लेकिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन चेंज हो जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर कोई बंदा आगे से धक्का देगा हिप के केस में, तो आगे वाली मसल काम करेगी, अगर कोई बंदा पीछे से धक्का देगा तो पीछे वाली मसल काम करेगी। ये तो कंसेप्ट सेम है ना, बस अलग क्या है कि इसमें जो मसल एक्टिवेशन है वो आपका प्रोक्सिमल टू डिस्टल होता है, ठीक है। अब इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। और बेसिकली जो हिप स्ट्रेटेजी, अभी हमने एंकल स्ट्रेटेजी की बात करी थी, तो वो स्मॉल पर्टर्बेशन पर, स्मॉल पोस्टरल स्वे पर काम करता है, जबकि ये वाला लार्ज पोस्टरल स्वे पर काम करता है, ठीक है जी। तो या फिर लार्ज हो या फिर आपका बेस ऑफ सपोर्ट जो होता है वो स्मॉल हो, ठीक है। तो ये जो बेसिक टर्म है बेस ऑफ सपोर्ट वगैरह पर, इन पर हमारा पहले ऑलरेडी एक वीडियो है, तो आप देख सकते हो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में। तो जब कोई बंदा एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा, मतलब किसी ने उसको आगे से धक्का दिया, तो उसका जो हिप जॉइंट है उस पर पीछे की तरफ मोशन होगा, मतलब वो पीछे की तरफ गिरने के लिए होगा। तो अब उसकी आगे वाली मसल काम करेंगी, आगे वाली में सबसे पहले कौन सी मसल काम करती है, वो होती है आपकी एब्डोमेन की मसल। तो जितनी भी एब्डोमेन मसल है वो काम करेंगी, और फिर आपका उसके बाद करती है आपकी क्वाड्रिसेप्स, उसके बाद करेगी आपकी क्वाड्रिसेप्स। तो ये तो हुआ एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोस्टल स्वे के केस में। अब दूसरा है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, किसी ने धक्का जो दिया है बंदे को पीछे से दिया है, तो अब वो आगे की तरफ गिरने वाला है, तो आगे की तरफ गिरने वाला है, तो उसकी पीछे की मसल ही काम करेंगी। तो पीछे की मसल में भी अभी मेनली प्रोक्सिमल टू डिस्टल चलना है, तो प्रोक्सिमल टू डिस्टल में सबसे पहले उसकी बैक की मसल काम करेगी, इरेक्टर स्पाइनी मसल काम करती है। और दूसरी उसकी काम करती है हैमस्ट्रिंग, जो कि पीछे की तरफ होती है, क्योंकि उसकी बॉडी आगे की तरफ गिरने वाली है, तो अब यहाँ पर हैमस्ट्रिंग काम करती है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होते हैं स्ट्रेटेजी। अब एक स्ट्रेटेजी और होती है जिसमें आपकी एंकल और हिप दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वो होती है स्टेपिंग स्ट्रेटेजी। ये कब यूज करते हैं, ये यूज़ करती है हमारी बॉडी जब आपका जो पोस्टरल स्वे है वो वेरी लार्ज हो, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से झटका लगा है, बहुत तेज़ी से किसी ने धक्का दिया है। तो जब कोई बहुत तेज़ी से धक्का देता है तो बंदे को स्टेप लेना पड़ जाता है। अब वो उसको सीधा खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, उसको एक स्टेप लेना पड़ जाएगा एक तरीके से, मतलब उसने पैर आगे रख दिया। आप देख सकते हो डायग्राम में, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो उसने एक पैर आगे रख करके अपनी बॉडी को सेव किया है। अगर पैर आगे नहीं रखेगा, स्टेपिंग स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेगा, तो गिर जाएगा जब बहुत तेज़ी से कोई धक्का देता है तो, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्टरल अलाइनमेंट के बारे में। सो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।